IBN9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर में सबसे चर्चित शराब सिंडिकेट गोलीकांड मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को सफलता बड़ी मिली है। शराब सिंडिकेट ऑफिस में शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर गोलियां चलाने वाला कुख्यात 10,000 रुपए का इनामी बदमाश हेमू ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने हेमू ठाकुर को लसुड़िया थाना क्षेत्र के फोनिक्स सिटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी महिला मित्र के साथ फोनिक्स सिटी में एक मकान में छुपकर रह रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर चर्चित शराब सिंडिकेट ऑफिस में शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर गोलियां चलाने वाला कुख्यात 10,000 रुपए का इनामी बदमाश हेमू ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 8 माह से फरार था और पुलिस ने आरोपी के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना के बाद वह पहले नेपाल गया था और वह कुछ महीने रहा। उसके बाद वह वहां से बेंगलोर गया, वह भी कुछ दिन फरारी काटी। उसके बाद 3 से 4 महीने वह इंदौर में जगह बदल बदल कर रहने लगा था। इस बीच कई बार आरोपी हेमू अपने परिवार से भी मिलता रहता था। आरोपी इतना शातिर था कि जैसे ही उसे पुलिस की सूचना मिलती वह अपने ठिकाने बदल लेता था। कल देर मुखबिर की सूचना पर आरोपी हेमू ठाकुर को अपनी महिला मित्र के साथ फोनिक्स सिटी में एक मकान से गिरफ्तार किया है। गोलीकांड के अन्य आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं जो अभी जेल में है। दरअसल ये था पूरा विवाद। पिछले साल जुलाई में एक शराब दुकान को लेकर बुलाई गई बैठक में हेमू और चिंटू ठाकुर ने अर्जुन ठाकुर पर गोलियां चला दी थी। दोनों पक्षों के बीच LIG चौराहे पर स्थित शराब दुकान को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष AB रोड स्थित सत्यसाई चौराहे पर सिंडिकेट के ऑफिस में मिले थे। बातचीत के दौरान ही विवाद हो गया था, जिसके बाद हेमू और चिंटू ने अर्जुन पर गोलियां चला दी। यहाँ से भाग के नेपाल गया था ये, और उसके बाद वहाँ कुछ समय रुकने के उपरांत ये बेंगलोर तरफ गया था, और फिर बेंगलोर से फिर ये जो है उसके बाद जो है ये इंदौर में रह रहा था और जगह बदल बदल के रह रहा था। परंतु हमारे अच्छे स्ट्रांग मुखबिर थे, तो हमको इन्फॉर्मेशन इस संबंध में प्राप्त होने पर यह कार्रवाई की गई। ये बाई रोड ही भागा था, पहले इनिशियली बता रहा है बाई रोड ही भागा था। उसके बाद जो है ये अपने मूवमेंट करता रहा ये, और जब जब इसको जो है इस पर दबिश पड़ी तो ये अपना ठिकाना बदलता रहेगा। परंतु इस बार हमारा अच्छा मुकबर था, तो हमने इसमें अच्छे कार्रवाई की। भाई भाई पकड़ा है, सबकी जानकारी इसको लग रही थी। इसके जो साथी पकड़ रहे थे, भाई पकड़ रहे थे, जानकारी इसको मिलती है, मिल रही थी? हाँ, इसको वो तो इनिशियली पकड़े गए थे, तो इसको जानकारी इनिशियली लगी गई थी उस समय कि कौन कौन केस में पकड़ा जा चुका है। नहीं, इसका इसको सूचना इसके परिवार के लोगों से मिलती रहती थी कि इसमें कौन कौन पकड़ाया जा रहा है, और उस हिसाब से जो है ये सचेत रहता था। परंतु जो है अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो हमेशा इस तरह की गलतियां कर ही देता है, जिस पर हम लोग जो है पुलिस जो है उसको आगे चल के पकड़ लेते हैं। 2 दिन हाँ, ये अपने इंदौर में जितने टाइम रहा है ये उतने टाइम ये अपने घर भी इसने मूवमेंट किया है, और जो है हमें सभी तरह की सूचनाएं मिल रही थी। तो साथ देने वालों को भी आरोप लगा दें, चिंतित होंगे? बिल्कुल, एक अपराधी को उसका जो है आश्रय देने वाले लोग और उसको जो है उसके फरार रहने में उसकी मदद करने वाले लोग निश्चित ही आरोपी बनते हैं। इसमें कोई हुलिया वगैरह बदल दिया नहीं? ऐसा तो हुलिया बदलने का तो इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं आया। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।